चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं भी नोट किया है तो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा ये, या फिर आपको स्कैन कॉपी भी मिल जाएगी इसकी। चलिए समझते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जिस साल का प्रॉफिट मुझे निकालना है उस साल में मैं ये देख लूं कि कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हुआ है, ईयर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये ईयर है। ठीक है, ठीक। अब इस साल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन मुझे निकालना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इस साल का। ठीक है, मैं ये कैसे निकालूं कि मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप देखो जो मेरा वर्क है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट से रिलेटेड होगा, ये आप मानते हो या नहीं मानते हो। कुछ भी हम काम करते हैं इस पूरे साल में कुछ कॉस्ट लगा होगा, एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुआ होगा। जैसे मैंने देखो, अब मैं आपको कॉस्ट वाले पार्ट पे ला रहा हूँ और उसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन को निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में ये कहा था कि हमारा कॉस्ट है 8 करोड़। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का यहां से लेकर यहां तक 8 करोड़। ठीक है, और अब ये तो जो कॉस्ट मैंने शुरू में निकाला था ये तो एस्टिमेटेड ही होगा, ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। ठीक है, अब इस साल का मैं मानता हूं कि जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है इस साल में, इनकर्ड हुआ मेरा कॉस्ट इनकर्ड, मैं ये मानता हूं कि मेरा 2 करोड़ हुआ होगा। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, मैंने टोटल कॉस्ट एज्यूम किया था 8 करोड़ और इस साल मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 2 करोड़। तो अगर मैं इन दोनों डाटा के बेस पे निकाल लूं कि मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं कर दूं एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मैं इसके लिए यू यूज करूं 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 करोड़, तो कितना आ जाएगा, 25% मेरा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरा कितना है, 25% काम इस साल में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ये मेरा ईयर 1 का निकल गया। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको ये परसेंटेज मैं खुद बता दिया था आपको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये खुद निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये आपको ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम वही सीख रहे हैं, अलग से हम सीख रहे हैं इस चीज़ को कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं कर रहा, अभी उसको अलग बताया मैंने, अब इसको मैंने अलग बताया। फिर अब आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बेसिकली एग्जाम्पल ही होगा, लेकिन उसमें अब ये सारी चीज़ें कवर होगी। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कहीं कोई शक आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। इस साल का मैंने कितना माना, जो कॉस्ट इनकर्ड इस साल में हुआ मेरा 2 करोड़। ठीक है,
इस साल में मैं मानता हूँ मेरा हुआ है 1.5 करोड़। ठीक है, अब मुझे निकालना है ईयर टू का प्रॉफिट, सॉरी ईयर टू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ये हो गया आपका ईयर वन, ऐसे ही मैं निकालू ईयर टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितना है 1.5 करोड़, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 8 करोड़, कितना हो जाएगा मेरा 1.5 डिवाइडेड बाय 8, कितना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ईयर टू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, अब मैं आता हूँ ईयर थ्री में। मैं ये मानता हूँ कि ईयर थ्री में मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो गया। ठीक है, अब भाई ईयर थ्री का डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरा कितना आएगा आप लोग बताओ। अब तो इतना सिंपल कर दिया मैंने चीज़ों को, इतना आसान कर दिया, अब आप लोग खुद भी निकाल सकते हो ईयर थ्री का क्या आएगा मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, 2.5 करोड़ बटा 8 करोड़ ईयर थ्री, 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 31.25%। तो मैं आता हूँ ईयर फोर में, ईयर फोर अब मेरा टोटल कितना हो गया अब तक 2.5 जमा 1.5 जमा 4 जमा 2 6, बच गया मेरा कितना 2 करोड़। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा 2 करोड़ सारा हो गया। ठीक है, तो ईयर फोर में मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या आ जाएगा 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 करोड़ या 25%। ठीक है, अब देखो टोटल आपका 100% आ रहा होगा, 25 25 50 और ये 31 और 18 50, 100% हो गया। ऐसे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऐसे हम निकालेंगे, फिर इसको हम यूज करके इस साल का, दैट मीन्स हर एक साल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन को यूज करके हम निकालेंगे कि उस साल में मेरी सेल क्या हुई है, उस साल में मेरा कॉस्ट क्या आया है, उससे मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट। जब हम अगले साल में आएंगे ईयर टू में आएंगे तो ईयर टू तक का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ईयर टू तक का कॉस्ट हम निकाल लेंगे और प्रॉफिट उसी तरीके से आगे का हर एक साल का निकलते जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आपको समझ में आया कि प्रॉफिट, ये जो हमारा टॉपिक था, ये जो मैंने छोटा सा टॉपिक लिखा था, छोटा सा नहीं, ये तो मेन टॉपिक है वैसे, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने अभी आपको बताया, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मैं उसमें मसाला डालूंगा, मसाला मीन्स इन सारी चीज़ों को डालूंगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को भी डाल दूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो वो हमारे लिए मसाला बन जाएगा, कहते हैं ना मसाले वाली चाय, थोड़ा सा तीखा भी होता है थोड़ा सा मीठा भी होता है, वही वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब वो हम क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अब तक से मुझे ये अब तक ध्यान में आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ अब तक, जैसा मैंने शुरू में स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, उससे अब तक कोई भी डाउट, कोई भी शक, कोई भी संशय, शंका कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे।